100 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता प्रेमनाथ को गुजरे हुए 20 साल हो चुके हैं। प्रेमनाथ को बचपन से ही फिल्में देखने का काफी शौक था और वो बड़े होकर एक्टर बनना चाहते थे। अभिनेता प्रेमनाथ के माता पिता विभाजन के बाद जबलपुर एमपी में आकर बस गए थे। जबलपुर में एम्पायर नाम का एक टॉकीज था जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था। प्रेमनाथ चोरी चुपके टॉकीज में घुसकर फिल्में देखा करते थे। एक दिन जब वो चुपचाप अंदर घुसकर फिल्म देख रहे थे तो फिल्म चेक करने वाला व्यक्ति उनकी कुर्सी के पास आया और टिकट मांगा। प्रेमनाथ ने कहा कि टिकट नहीं है। तब टिकट चेकर ने पूछा कि फिर अंदर कैसे आए, तो उन्होंने बताया कि दीवार फांद कर। टिकट चेकर ने प्रेमनाथ को कुर्सी से उठाया और उसने प्रेमनाथ को थप्पड़ मारा और बाहर लाकर कहा कि जिस दीवार को फांदकर आए हो उसे ही फांदकर बाहर जाना पड़ेगा। गुस्साए प्रेमनाथ ने वहां से जाने से पहले टिकट चेकर से कहा कि तुम देखना, एक दिन इस टॉकीज को मैं ही खरीदूंगा। इसके बाद प्रेमनाथ अपने पिता की मर्जी के खिलाफ मुंबई चले गए फिल्मों में हीरो बनने के लिए। मुंबई में प्रेमनाथ को पहली फिल्म मिली अजीत। इसी साल राज कपूर ने निर्देशक की दुनिया में कदम रखा था और अपनी पहली फिल्म बनाई थी आग, जिसमें प्रेमनाथ को भी अहम भूमिका मिली थी। इसके बाद 1952 में उनकी फिल्म आई बादल, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद प्रेमनाथ का करियर चल पड़ा और उन्होंने आगे चलकर अलग अलग भूमिकाएं निभाई। प्रेमनाथ की बहन कृष्णा से राज कपूर का विवाह हुआ। प्रेमनाथ की शादी अपने दौर की सबसे चर्चित अभिनेत्री बीना राय से हुआ था। इन सब के बीच फिल्मों में जमने के बाद प्रेमनाथ ने 1952 में एम्पायर टॉकीज खरीद लिया। जब प्रेमनाथ ने एम्पायर टॉकीज का उद्घाटन किया तो वो वैसे ही दीवार फांदकर टॉकीज के अंदर गए, जैसे किशोर अवस्था में उन्हें दीवार फांदकर बाहर जाने को मजबूर किया गया था। जब प्रेमनाथ ने वो टॉकीज खरीदा तो तब उन्हें थप्पड़ मारकर बाहर का रास्ता दिखाने वाला टिकट चेकर तब भी वहीं काम कर रहा था। प्रेमनाथ ने उसे बुलाया तो वो घबरा रहा था। प्रेमनाथ ने उसके सामने उसी कुर्सी पर जाकर बैठे जहां से उसे उठाकर भगाया गया था। फिर उन्होंने खड़े होकर उस टिकट चेकर को उसी कुर्सी पर बैठाया और फूल मालाएं पहनाई और मिठाई खिलाई। इसके बाद प्रेमनाथ ने टिकट चेकर को गले लगा दिया और कहा कि अगर तुमने मुझे थप्पड़ मार कर भगाया नहीं होता तो आज मैं इस टॉकीज का मालिक नहीं होता।